दोस्तों आज की वीडियो में आपको लाइव में दिखाऊंगी प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं तो स्वस्थ नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर जर्मिनेशन के बाद में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम से ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, और नॉर्मल ग्रोथ है तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, ग्रोथ अगर कम है तो फिर आपको क्या डालना चाहिए, संपूर्ण जानकारी कवर करूंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुँचते रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों कि प्रो ट्रे में नर्सरी किस तरीके से तैयार करना चाहिए। प्रो ट्रे के लिए वर्मी कंपोस्ट है, परलाइट, वर्मी कुलाइट है या फिर कोकोपीट है, ये किस क्वांटिटी में मिलाना चाहिए ताकि ग्रोथ बहुत ही फास्ट और अच्छी हो, हेल्दी नर्सरी तैयार हो, उसके लिए मेरा डिटेल वीडियो आ चुका है, वो आप देख लें। जब भी मैंने इनके लिए नर्सरी तैयार की थी तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखें। अब दोस्तों अगर किसी भी सब्जी वर्गीय फसल की आपने नर्सरी तैयार कर रखी है और उसके नॉर्मल ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा एकदम से ग्रोथ नहीं हुई है, तो फिर बेस्ट रहेगा कि आप एनपीके 19:19:19 वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके डेली रूटीन में जैसे पानी देते हैं वैसे ही इसको नर्सरी में देना है, और झारे से देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। वैसे पानी भी झारे से देना चाहिए नर्सरी में ताकि रूट तक अच्छे से पानी जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, एकदम से ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में नर्सरी गिरने लग जाती है, प्लांट्स गिरने लग जाते हैं, तो बेस्ट रहेगा कि प्लांट्स के रूट डेवलप हो और तने में मजबूती आए, उसके लिए एनपीके 052234 आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके वो देना है। फिर एनपीके 19:19 नहीं देना है। अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र नहीं देना है, नहीं तो और भी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। रूट डेवलप होती है फॉस्फोरस से और तने में मजबूती आती है और हार्डनिंग आती है पोटास से, तो इसलिए 052234 आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो फिर आप ये देंगे नर्सरी में। हमारे भी ये पम्पकिन की नर्सरी हमने तैयार की है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, ये मात्र 2 दिन की ग्रोथ है जो आप देख रहे हैं, तो इसलिए अब इसमें बेस्ट रहेगा कि हम लोग 052234 दें। तो मैं अभी ये 052234 का घोल तैयार करके और फिर मैं इसमें दे रही हूँ। नर्सरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।